चिकित्सालय में पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ। जिलाधिकारी अनंजय कुमार सिंह ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर फीता काटकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया, जहां पर उन्होंने पल्स पोलियो अभियान में हिस्सा लेते हुए लोगों को जागरूक होने का संदेश दिए और मासूम बच्चों को पोलियो की ड्रॉप भी पिलाई। कार्यक्रम पल्स पोलियो के लिए और सारे बच्चों को जो पिलाया जाता है दो दो बूंद, ये आज से फिर से एक बार हम अभियान शुरू कर रहे हैं। कोशिश ये होगी कि जनपद में कोई भी बच्चा इससे छूट ना सके और हर बच्चे को हम कवर कर सकें। आज 1550 बूथों पे ये काम शुरू हो रहा है और इसके साथ घर घर भी टीमें जाएंगी। हर एक बच्चे को पोलियो की खुराक, जो पल्स पोलियो की खुराक है वो पिलाएंगे। सबसे सारे लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, कई बार हमने इस चीज़ की समीक्षा की है, बच्चों का प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। पल्स पोलियो को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और कई सारी जगहों से अभी बहुत सारे लोग तो खैर इस बात को समझ चुके, लेकिन अभी भी कई सारे इलाके हैं जहाँ पे लोगों के द्वारा इसका रजिस्टर किया जाता है भ्रांतियों की वजह से। ये बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए है। कभी भी किसी भी दशा में सरकार का जो भी प्रयास रहेगा वो सबके हित के लिए रहेगा और वो बच्चे के हित के लिए रहेगा। बच्चों के बेहतरी के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं और उसमें से पल्स पोलियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे को मजबूत बनाता है। बच्चों से रिलेटेड जितने वैक्सीनेशन हैं, जितने उनको चाहे वो मुँह से दिए जाने वाले हों चाहे इंजेक्शन के थ्रू दिए जाने वाले हों, हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि माताओं और बच्चों को जितनी टीके लगने चाहिए, जितने खुराक दी जानी चाहिए वो मिले जरूर। पल्स पोलियो में अगर कोई पल्स पोलियो की खुराक का विरोध करता है तो वो अपने बच्चे का विरोध करता है। कल को अगर वो बच्चा किसी भी स्थिति में अगर पोलियो से ग्रसित हुआ, कमज़ोर हुआ या अपंग हुआ तो शायद वो भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे। बच्चा तो उन्हें कभी माफ़ करेगा भी नहीं, यहीं पे हम देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि भारत से पोलियो को ख़त्म कर दें। केवल कुछ लोगों की वजह से अभी भी हम इसको डिक्लेयर कर पाने में असफल हो रहे हैं और मैं इसीलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे लोग सहयोग करें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे को किसी भी तरीके से नुकसान करेगी और ये कई सालों से चल रही है। जब से ये शुरुआत हुई थी उस समय के बच्चे तो अब जवान भी हो गए, कम से कम उनको देख के तो ये एक सबक लें कि इससे नुकसान कुछ भी नहीं है सिवाय फायदे के। और जितने सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम हो रहे, बल्कि लोगों को चाहिए कि डॉक्टर्स को और ANM को और आशा को तो पकड़ पकड़ के ऐसे वैक्सीनेशंस कराएं।